Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. From Amar Ansari, aap sabhi logon ka Avatar Dvitiya, yani ki Avatar 2 ke 18 days ke box office collection dhamaka episode mein title se hardik swagat karta hu. Kya ho raha hai mera bhai? Avatar Dvitiya is a box office smasher. Literally usne crash kar diya box office ko India mein. बड़ी बड़ी फिल्मों के परछट्टे उड़ा दिए हैं. पोस्ट कोविड जनता नहीं आती, पैसा नहीं जनता के पास, अरे सबको पूरा पेपर वेपर लेके फेंक दिया उठा के. दिस इज अ मैसिव ब्लॉकबस्टर, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन. लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये हिंदी फिल्म 50 दिन चली बॉक्स ऑफिस पे, ये फिल्म का 8वां हफ्ता, ये फिल्म का 5वां हफ्ता इतना कमाया. अरे ये फिल्म बड़े बड़े इंडिया के फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन क्या आलू भर दिया ना समोसा का, डकार नहीं निकल रही लोगों के. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हॉलीवुड कंपनी को फर्क नहीं पड़ता. तुमको क्या लगता है हॉलीवुड कंपनी तुमको समोसा देगी ट्वीट करने के लिए? घंटा उनको नहीं फर्क पड़ता, तुम करो नहीं करो क्या उनको मालूम है. वो लोग इंटरनेशनल पब्लिकेशन में पब्लिश कर देते हैं, उनका डेटा अवेलेबल रहता है ऑनलाइन, पब्लिक ऑनलाइन देख लेती है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर. एंड द फिल्म हैज जस्ट स्मैश्ड एवरीथिंग लेफ्ट एंड मिडिल सेंटर एंड फॉरवर्ड. पहले शो के बाद इंडिया में क्या बोल रहे थे पब्लिक, हाँ ये नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? हॉलीवुड में नहीं पसंद आ रहा, जेम्स कैमरू नहीं है, जेम्स कैमरामैन नहीं कि पहले शो के बाद इसकी वर्डिक्ट डिसाइड हो जाए. ये फिल्में बनाता है फॉर लॉन्गिविटी, बड़ी फिल्में. और क्या लगता है अवतार वन ने जो पैसा कमाया फर्स्ट रन में कमा लिया? चलो फर्स्ट के रन समझाता हूं मैं आप लोगों को जो लोग नए जुड़े हुए हैं. देर आर मेनी रन फॉर अ फिल्म ऑफ जेम्स कैमरून. टाइटैनिक इन्यूमरेबल टाइम रिलीज हुई है, बचपन में तो मैंने देखा था हम कॉलेज में, तो टाइटैनिक 3D में इंडिया में आई थी. इसको बोलते हैं मल्टीपल रन, री रन्स कहते हैं. एंड जेम्स कैमरून की फिल्म में री रन होती है. अवतार हुई थी, टाइटैनिक हुई थी, तो जितने लोग को लग रहा था कि ये फिल्म पैसा नहीं कमाएगी, इसके फर्स्ट रन में तो फाड़ने वाली है, कि जब मल्टीपल रन आएंगे, जब अवतार 3 आएगी तभी भी पैसा कमाएगी. एंड कल ही जेम्स कैमरून ने खुल्ला खुल्ला बोल दिया है 1.5 बिलियन कमाएगा तो मेरी पिक्चर हिट है मेरा भाई. 1.5 बिलियन पे फिल्म हिट है. यस, इसे और पैसा कमाना था, लेकिन थर्ड पार्ट बहुत फास्ट आ रही है, उस पर डेफिनेटली फाड़ेगी. लेकिन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस कोविड के सिनारियो में फिल्म ने स्लो स्टार्ट लिया था, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस फाड़ रही है. मेरे को इंडिया से लेना देना है, एंड इंडिया में ये फिल्म बाप लेवल की ब्लॉकबस्टर हो चुकी है. सारी सारी चीजें आज के एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं. लेकिन पहले आपको बता दूं, मेक्सिको, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ब्राजील, इन सारी जगहों से ज्यादा पैसा कमाया है फिल्म ने. इंडिया में ऑफिशियल आंकड़ा जो आया है वो 49 मिलियन का आया है, जिसका ग्रॉस कहीं ना कहीं 400 से 405 करोड़ होता है. गाइस ऑफिशियल आंकड़ा है ये, 400 से 405 करोड़ ग्रॉस कमाया है, इसका नेट कहीं ना कहीं 328 से लेकर 329 करोड़ होता है. ये फिल्म ने 18 दिनों में, ये इसका थर्ड वीक चल रहा था, मैंने आपको 14 दिन के कलेक्शन बता दिए थे. ओके, तो 15 फ्राइडे, 16 सैटरडे, 17 संडे, ये संडे तक के कलेक्शन है. 17 दिन में इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 328.5 करोड़ कमाया है, विच इज माइंड नंबिंग. इसके साथ आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं. सो गाइस, इस फिल्म ने अपने डे नंबर 15 यानी कि थर्ड फ्राइडे को 9.25 करोड़ की कमाई की. डे नंबर 16 सैटरडे 11.75. लुक एट द जंप, मेरा प्रेडिक्शन फ्राइडे का 8 था, 9.25 कमाया. मेरा प्रेडिक्शन सैटरडे का 12 था, इसने 11.75 करोड़ कमाया. लेकिन संडे वाज अ संडा, मेरा प्रेडिक्शन था 15 या 16, इसने संडे को 18 करोड़ कमाया. बॉलीवुड वालों, तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, ये क्रिसमस दूसरी पिक्चर नहीं रिलीज करके क्या सोचे? रोहित शेट्टी आएगा, सर्कस से पेल दिए जाएंगे. अरे पूरा इतना बड़ा रन था, ये हफ्ता, अगला हफ्ता, 13 वाला डेढ़, अरे यार 3 हफ्ता मारामारी करो अभी आके, अभी फरवरी मार्च में सब एक दूसरे से मारामारी करो, भिड़ो, लेकिन ये रन छोड़ दो. तो इसी के साथ यहाँ पर इस फिल्म ने 328.5 यानी कि 328.5 करोड़ कमा लिए है इन जस्ट 17 डेज विद अ ग्रॉस ऑफ 400 to 405 करोड़. अब मेन रिकॉर्ड, थर्ड हफ्ते में अब तुम लोगों को कॉम्पिटिशन करना था ना एवेंजर्स के साथ, मैं तुमको कॉम्पिटिशन बताता हूँ. एवेंजर्स एंड गेम थर्ड वीक कितना पैसा कमाया, 21.72 करोड़. अवतार द्वितीय ने यहाँ पर 2 दिनों में 21 करोड़ कमा लिया, एंड उसका थर्ड वीकेंड यहाँ पर ऑलमोस्ट 39-40 करोड़ का हुआ है. यानी कि अवतार द्वितीय का थर्ड वीक इज अ डबल ऑफ एवेंजर्स एंड गेम
फिल्में लंबी चलनी चाहिए, ओपनिंग तो सबको लग जाती है, जो लंबी फिल्में चलती हैं उनका बोलबाला होता है। एंड फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो है 1.38 बिलियन, 1.38 बिलियन है। लास्ट एपिसोड में आपको बताया पोस्ट कोविड कितनी सारी फिल्में हैं जिन्होंने 1 बिलियन किया था। अवतार बहुत फास्ट की है इसने, जो होता है 11,396 करोड़, सरल भाषा में समझा देते हैं वे 11,400 करोड़ पकड़ लो। इस फिल्म ने 11,400 करोड़ कमाई की है, 1.38 बिलियन है, 1.5 बिलियन पर ये फिल्म जो है वो हिट डिक्लेयर हो जाएगी इंडिया में। दिस इज अ ब्लॉकबस्टर, हाईएस्ट ऑल टाइम ग्रॉसिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ एनी हॉलीवुड फिल्म इन द साउथ। अभी एवेंजर्स का रिकॉर्ड जो है वो भी चकनाचूर कर देगी ये फिल्म जाकर। सो गाइस दिस इज अ ह्यूमंगस सक्सेस। एंड बात करें अब डे नंबर 18 की, आज की टुडे 9 करोड़ रुपीज कमाने वाली है ये। फ्राइडे से 9.25 करोड़ कमा, आज मिनिमल ड्रॉप कोई है ही नहीं। फिल्म क्या देखेगी पब्लिक जाके, सर्कस चली गई। हाँ दृश्यम तो अपना चल रही है, अवतार फीवर इज गोइंग ऑन। आज अगर 9 करोड़ कमाती है ये फिल्म 337 से लेकर 338 करोड़ कमा लेगी। आईमैक्स में आज 60% ऑक्यूपेंसी है, 4DX में 82%, हिंदी 3D दिल्ली में 529 शोज है 18वें दिन पर 20% ऑक्यूपेंसी, मुंबई 297 शोज 18%, इंग्लिश 3D 22% की ऑक्यूपेंसी लेके चल रहा है। बैंगलोर में आज इंग्लिश 3D के 300 शोज 25% पे ये फिल्म चिपक चुकी है। ये फिल्म 400 करोड़ का नेट बिजनेस करेगी शायद। KGF का जो रिकॉर्ड है 434.7 करोड़ का, वो भी ये फिल्म तोड़ने की क्षमता रखती है। यह पठान तक चलने वाली है फिल्म, तो सोच लो क्या कर लेगी। और इसी के साथ बजरंगी भाईजान, वॉर, पद्मावत, मुझे मालूम है ये जो कलेक्शंस ये ऑल लैंग्वेजेस के अवतार के, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनके भी रिकॉर्ड्स टूटे हैं, आपको बताना जरूरी है। यहाँ पर बजरंगी भाईजान, वॉर, पद्मावत का रिकॉर्ड टूट गया। टाइगर जिंदा 339.16 करोड़, उसका भी तोड़ देगी। PK 340.8 करोड़ तोड़ देगी। संजू 342.53 तोड़ देगी। दंगल भी गई 387.38, इसका टारगेट होना चाहिए KGF चैप्टर 2 का हिंदी वर्जन 434.7 करोड़। यस ऑल लैंग्वेजेस में ये लोग बहुत ज्यादा है, स्पेशली KGF और यू नो बाहुबली, लेकिन ये जो अवतार है इसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है पोस्ट कोविड आकर इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स प्राप्त करने के लिए, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। ओके गाइस, सो मच का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। भैया बहुत डिमांड था भाई, तो हम 2 दिन से एपिसोड ही नहीं बना रहे थे भाई, अरे न्यू ईयर था भाई। ओके, सीमा अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।